जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास अगेन आफ्टर समर वेकेशन। सून वी विल मीट इन आवर स्कूल ऑल्सो। जल्दी ही ये हमारा पीरियड ख़त्म होगा आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का, और हम लोग जल्द स्कूल में मिलेंगे। टिल देन हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। आई एम योर साइंस टीचर एंड इन क्लास 6 आई वॉज टीचिंग चैप्टर 2 That were components of food, okay? Chapter 1 का मैंने revision भी करवाया था by YouTube video. Chapter 2 components of food में मैंने कुछ notes दे चुके थे, मैं कुछ notes दे चुकी थी। उसमें आपका definition था, जिस ये chapter जो है हमारा वो components of food है, means हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या chemical substances present हैं और हमारे body को कैसे वो help करते हैं। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट हैं हमारे फूड में जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बुक में आपका डेफिनेशन दिया हुआ था, मैं भी आपको डेफिनेशन पेज में लिखकर दी थी। देन हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। 5 तरीके के मेजर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन 5ों को बिल्कुल याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। How many nutrients are there? There are major 5 nutrients, that were carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. After then, मैंने बुक के पेज नंबर, डिफरेंट पेज नंबर 9, 10, 11, 12 सारे न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज का डायग्राम और लिखने के लिए मैं दी थी होमवर्क में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है, वी राइस से मिलता है, चपाती से मिलता है, शुगर से मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट से मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, पल्सेस से मिलते हैं, ग्राम से मिलते हैं, मिनी वेजिटेबल्स से भी प्रोटीन मिलते हैं, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है। देन दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स और दीज आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, नॉट फूड आइटम। दीज आर द फूड आइटम्स दैट कंटेन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये सभी फूड आइटम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रखते हैं। जैसे रोटी जो हम लोग खाते हैं, चपाती, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि हर फूड में थोड़े बहुत हर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक स्पेशल फूड होता है, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट को वो फूड ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करता है। जैसे हम लोग अगर चपाती खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो कार्बोहाइड्रेट है। देन वी विल गिव एग्जाम्पल ऑफ चपाती इन द कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड आइटम। अगर कोई पूछे कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम लोग पल्सेज नहीं बताएंगे, क्योंकि पल्सेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। हम लोग क्या बताएंगे, राइस बताएंगे, शुगर बताएंगे, सेवरल फ्रूट्स बताएंगे एंड मेनी चपातीज बताएंगे। और आपके पेजेस में, पेज नंबर 11 में कौन कौन से दिए हुए हैं, मेज है, मेलन है, मैंगो है, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, दीज वेयर ऑल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव रेड अबाउट प्रोटीन, दैट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेवरल फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट, सोयाबीन, ग्राम, मूंग, बीन्स, पीज, दीज वेयर प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन वेयर मीट, फिश, पनीर एंड एग्स। इट इज़ गिवन इन योर बुक एंड पेज नंबर 12, ओके। ऑल ऑफ यू हैव डन ऑलरेडी, हम लोग ये सभी बातें पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू। ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं। इससे पहले हम लोग सारे का टेस्ट भी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़े हैं, आयोडीन टेस्ट, इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी।
उसके बाद हमने प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड यूज हुआ था। फिर हमने फैट्स का टेस्ट पढ़ा है। एक पेज को आप हेयर पे रगड़ के देखिए या पूरी आपके जो पेज में रखे जाते हैं वो कैसे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट हो जाता है, उससे आर पार दिखने लगता है अगर उसमें ऑयल लग जाए तो। देन दिस वॉज द टेस्ट ऑफ फैट। उसी तरह मिनरल्स एंड विटामिन्स का टेस्ट हमने नहीं पढ़ा है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स था कार्बोहाइड्रेट। ओके, दिस कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन योर फूड आइटम्स लाइक मेज, मैंगो, मेलन, सुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। दीज ऑल फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। देन व्हाट दीज कार्बोहाइड्रेट्स डू इन आवर बॉडी। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जाकर करते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड ऑफ इन आवर बॉडी। दिस इज रिटन इन हेयर, सी इन योर पेज। नाउ फैट्स, व्हाट डू द फैट डू। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घी, तेल ये सब खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या मिलता है, फैट्स जो हैं वो भी एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा वो एनर्जी देते हैं। जैसे अगर चपाती हम लोग खा रहे हैं तो चपाती में कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें एनर्जी देगा, लेकिन उस चपाती के में हम लोग बहुत सारा मक्खन लगा के खा रहे हैं, बहुत सारा घी लगा के खा रहे हैं, या चपाती कम ले रहे हैं, घी मक्खन वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसका निगेटिव ये है, इसका घाटा हमें ये होगा कि अगर ये एनर्जी हम लोग ठीक से वर्कआउट नहीं किए, मेहनत नहीं किए, काम नहीं किए, तो ये एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता जाएगा और फैट के रूप में स्टोर होगा और हम लोग ओबीज भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड ऑफ आवर बॉडी। दीज आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं वो एनर्जी गिविंग हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट में अगर च्वाइस आएगा कि दोनों में से ज़्यादा कौन एनर्जी देता है, तो आंसर क्या होगा, फैट्स। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ कम टू द प्रोटीन। प्रोटीन हमारा क्या करता है, दैट इज पेज नंबर 11। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। यू कैन रीड इट फ्रॉम योर पेज नंबर 11, इट इज़ सीइंग ऑन द स्क्रीन। प्रोटीन क्या करता है, इट इज़ नीडेड फॉर आवर ग्रोथ। ग्रोथ कराता है हमारे शरीर का और रिपेयर करता है। जैसे बहुत सारे हमारे बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, या हमें कहीं चोट लगती है या कहीं हमारा वुंड होता है, घाव होते हैं, तो वो सभी रिपेयर कैसे होते हैं, कहीं छिल जाता है स्किन, कहीं छिल जाता है तो वो फिर से स्किन आते हैं, नए स्किन आते हैं, तो आखिर कहाँ से आता है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी। देन आंसर विल बी प्रोटीन। द प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर फूड लाइक पल्सेस, मूंग, ग्राम, सोयाबीन, बीन्स, पीज एंड इन एनिमल फूड आइटम्स लाइक मीट, मिल्क, एग। दिस प्रोटीन, व्हेन वी टेक दिस प्रोटीन इन आवर बॉडी, दिस प्रोटीन हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ग्रोथ मतलब बच्चे बड़े होते हैं, तुम लोग बड़े होते हो, तुम लोग का अभी ग्रोइंग एज है, अभी तुम लोगों को बड़ा होना है, देन यू टेक मोर प्रोटीन इन योर फूड आइटम। अपने फूड आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो। वो प्रोटीन कैसे लोगे, दाल पियोगे, मटर खाओगे, हरी सब्जियाँ खाओगे, अंडे खाओगे, दूध पियोगे, मीट लोगे, चिकन खाओगे, तो इन सभी चीज़ों से आपको फूड में जो बॉडी में जो है वो प्रॉपर ग्रोथ होगा और आपका बॉडी रिपेयर होगा। मीन्स अगर कहीं डेड एंड डीके सेल्स हो गए हैं, सेल्स ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ पे नए सेल्स बनेंगे किस न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से, प्रोटीन से। तो अभी तक हमने कौन कौन सा न्यूट्रिएंट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स।
कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं दोनों एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। इन दोनों में भी फैट्स सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। प्रोटीन इज़ अ न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, नाउ द थर्ड न्यूट्रिएंट, फोर्थ न्यूट्रिएंट वाज विटामिन्स। अब आपके पेज नंबर 12 में देखिए, व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज विटामिन, आप हमारे साथ पेज को पढ़ भी सकते हैं। दीज विटामिन्स, हेयर इट इज रिटन, व्हाट इज विटामिन, विटामिन हेल्प्स अस, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस। विटामिन्स क्या करता है, हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी को हेल्प करता है डिजीज से फाइट करने के लिए। जैसे हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है हमारे बॉडी में, अभी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना है वो उसी को पकड़ रहा है जिसके इम्यून सिस्टम वीक हैं, जो अपने भोजन में न्यूट्रिएंट्स, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, या ये मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी होगी तो हमारा बॉडी जो है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगा। ये विटामिन्स ही हैं जो हमारे बॉडी को डिजीज फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब डिजीज से लड़ने की क्षमता को स्ट्रांग करता है। देन विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारे दांत, आँखों और दांत को, आँखों को, गम्स को, ये जो मंसूरे हैं उनको, इनको हेल्दी रखने में, स्ट्रांग रखने में मदद करता है। तभी तो तुम बच्चे अभी खेल लेते हो, कूद लेते हो, गिरते हो, चोट लगती है किसी की, बच्चे की अगर हड्डी टूट भी जाती है तो उसके हड्डी जल्द, उसकी हड्डी बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि उसका ग्रोइंग एज होता है, उसका न्यूट्रिएंट अच्छा अगर उसे दिया जाए और वो अच्छा अगर अपने डाइट में अच्छा न्यूट्रिएंट और बैलेंस्ड डाइट ले, हर चीज़ ले, प्रोटीन ले, फैट्स ले, कार्बोहाइड्रेट्स ले, विटामिन्स ले। विटामिन्स कैसे मिलते हैं, आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन्स दिए हुए हैं। विटामिन ए का सोर्सेज है पपाया, कैरेट, फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी के सोर्सेज हैं क्या, लीवर एंड स्पाइसेस। एंड विटामिन सी के क्या हैं, ऑरेंज, टोमेटो। और विटामिन सी जो हैं सारे आपके खट्टे वाले फ्रूट्स में मिलते हैं, लाइक लेमन, लाइक ऑरेंज, लाइक ग्वाभा ऑल्सो, इन सभी चीज़ में आपको विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं, मिल्क है, बटर है, फिश है, एग है, ये सब आपके बुक में यहाँ पेज में दिख भी रहा है आपको, स्क्रीन में ये आपको दिख रहा है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, दीज फूड आइटम्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। देन इफ़ यू आर टेकिंग दीज विटामिन्स इन आवर फूड आइटम्स, वी विल बी एबल टू, आवर बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीजेज। विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। देन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स, विटामिन B1, B2, B3, B4, B6 मिले हुए हैं। तो इतने टाइप्स के विटामिन्स हैं हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है, और सेवरल फूड आइटम्स दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है, सोर्सेज ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आइटम। ओके, नाउ कम टू द मिनरल्स, फिफ्थ है हमारा मिनरल्स। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या है यहाँ, मिनरल्स आर नीडेड बाय योर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है। जैसे हम लोग चपाती कितनी बड़ी खाते हैं, इतनी बड़ी चपाती खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, दाल भी खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ना हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, लेकिन मिनरल्स एंड विटामिन्स ना बहुत छोटे से अमाउंट में चाहिए। कितने मिनरल्स तो हम लोग नमक खाते हैं उससे आ जाता है, लाइक सोडियम, क्लोरीन। हम लोग पानी पीते हैं उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। विटामिन्स जो है थोड़े से अमाउंट में चाहिए, दूध पीते हैं उसमें से विटामिन्स मिलता है। लाइक जितना हम लोग चावल खाते हैं क्या उतने अंडे खाते हैं, अंडे कितने खाते हैं, एक या दो खाते हैं। तो इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट है वो हमको, हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड
है। उसके बाद है मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। दिस इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 13। ओके, दिस इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 13। हेयर वन बॉय इज टॉकिंग एंड ही इज स्टैंडिंग इन द सन। टेल मी व्हाट विच टाइप ऑफ विटामिन ही इज टेकिंग। This is your homework. If a boy is standing in a sun and taking bath of sunlight, then which vitamin he is taking? This will be your assignment question. The answer is he is taking vitamin D. So Paheli is very surprised. Why Bujho is standing in front of window and taking sun? Because he is very smart boy, Bujho, and he is taking vitamin D. Now most food items proper growth and development के लिए आपका minerals required है। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। हमारे मैक्सिमम फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम लोग दाल का एग्जांपल ले पल्सेस का, तो पल्सेस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, हल्के फुल्के कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़ा बहुत फैट्स भी है, मिनरल्स तो हैं ही, विटामिन्स तो हैं ही, लेकिन उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। इन along with these food items we also take water and dietary fibers, two more items, means five major nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Along these five major nutrients we also take two items more in our daily diet. What are these? These are dietary fibers and the second is water. वाटर जो है हमें भूलना नहीं है। वाटर हेल्प्स अस टू इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो पानी है वो कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और डाइट्री फाइबर्स जो है वो डाइजेशन करने में ही हेल्प करता है। अगर हम लोग डाइट्री फाइबर्स अगर कम लें, मतलब रुखीले पदार्थ, जैसे हम अगर कोई फ्रूट खा रहे हैं, कंप्लीट फ्रूट खाएं, उसके छिलके के साथ खाएं, कवर के साथ खाएं, द कवर विल प्रोवाइड द डाइट्री फाइबर्स। लाइक हम लोग भाजी खाते हैं, स्पिनेच खाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाजी खाते हैं, उन सभी भाजी में मिनरल्स, वाटर और डाइट्री फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स रेसेदार, तुम्हारा जैसा रस्सी होता है, वो कैसे किसी चीज़ को साफ़ करो तो साफ़ करने में हेल्प करता है रस्सी से, तो रस्सी हमारे पेट की सफाई करता है। दीज आर नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। एंड विच टाइप ऑफ फूड? कंप्लीट फूड। जैसे अगर हम लोग ग्वाभा खा रहे हैं, तो कंप्लीट छिलके के साथ ग्वाभा खाएं, तो वो जो छिलका है उसमें डाइट्री फाइबर्स होगा। ओके, एंड दीज डाइट्री फाइबर्स इज ऑल्सो नोन एज रफेज। हेयर इट इज गिवेन, इज ऑल्सो नोन एज रफेज। दिस रफेज, डायट्री फाइबर्स को ही हम लोग रफेज भी कहते हैं, मतलब खुरदुरा पदार्थ। जैसे अगर हम लोग खूब ढेर सारा चाउमीन खाते हैं, तो उसमें डायट्री फाइबर्स है? नो। और वैसे बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम भी हो जाता है, उसको कंस्टिपेशन हो जाता है, पॉटी टाइम पे नहीं होता, क्योंकि उसमें डायट्री फाइबर्स नहीं थे, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है। और कितने बच्चे होते हैं जो कि पानी भी नहीं पीते हैं, तो पानी जो हम लोग खाना खाते हैं, तो पेट में घुलाने का काम करता है पानी। पानी जो है वो फूड आइटम्स को डिसॉल्व करता है अपने में। जैसे चीनी कैसे पानी में घुल जाती है, वैसे फूड आइटम हमारे पेट में पानी में घुलता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। हम बहुत सारा खाना खा लें लेकिन पानी नहीं पिए, तो भी डाइजेशन क्या होगा? नहीं होगा। तो डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर हेल्प अस इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ आवर फूड। दीज आर ऑल्सो इन वेरी एसेंशियल एलॉन्ग विद द फाइव न्यूट्रिएंट्स। नाउ दिस वन, वाटर हेल्प्स। वाटर के बारे में मैंने बताया, वाटर आपको पानी आप जो पीते हैं उससे भी मिलता है। और आपकी जो एक्टिविटी नंबर 3 है नेक्स्ट पेज में, एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है आपको कहने क्या करने के लिए कह रहा है कि आप कभी आलू को छीलिए या नींबू को निचोड़िए, तो क्या आपके हाथों में पानी लगता है? क्या ग्वाभा को काटिए या किसी फ्रूट को काटिए, अभी मैंगो को काटो तो हाथों में पानी लगता है ना। तो दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फ्रूट्स।
ओके, लाइक मैंगो, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, दीज आर द फूड आइटम्स दैट कंटेन नेचुरल वाटर. सो टुडे वी फिनिश 3 pages, दैट इज पेज नंबर 11, 12, 13 एंड 14, इन विच वी रेड अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स. वेरियस न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं इसके बारे में, दैट इज फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड डायट्री फाइबर्स एंड द वाटर. ओके, टुडे वी फिनिश हेयर. आई एम गिविंग यू असाइनमेंट, मैं क्वेश्चंस लिख कर दे दूंगी आपको, वो आपको होमवर्क कॉपी में करना है. एंड देन आपको नोट्स भी मैं लिख के दे रही हूँ, वो आपको कॉपी में लिखना है और इससे आपको समझना है. ओके, थैंक यू.